जब आप ये रिसर्च कर रहे थे बुक लिखने के लिए, तो हैव यू रिसर्च किया मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कैसे करेंगे? कोई कहता है कि नहीं डूब्स डे, मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने रिसोर्सेज यूज कर ली, अर्थ खत्म हो गया, दैट द सॉर्ट ऑफ डूम्स डे। एक डूम्स डे की कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा गया, डूम्स डे हो गया। कुछ मूवीज में आप देखोगे तो डूम्स डे ये है कि मून ही अर्थ पे गिर गया। जी तो व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ अ डूम्स डे? एक एक बार में किसी एक बात कह रहा था, जी मैंने कहा हम कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल से जिंदा है, हाँ अभी पता नहीं कहाँ है पर कल्कि के समय वापस आएंगे। ओके मैं बस इतना ही कहता हूँ कि अश्वत्थामा जहां भी है कहीं ये बर्गर और पिज्जा ना खा रहे हो, वरना कल्कि तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। 200 300 400 लाइट ईयर दूर तो उतना तो खैर साइंटिस्ट ने ढूंढ ही लिया है, जो ही मिलेगा वो लाखों लाइट ईयर दूर ही मिलेगा। जी अब लाखों लाइट ईयर दूर अगर ह्यूमंस को पहुंचाना है जी तो किसी की तो लाइफ ही नहीं है 1 लाख साल की, बिल्कुल तो इम्पॉसिबल है कि आप पहुंच सकते हो। तो वाइल रिसर्चिंग दिस बुक आपने क्या टेक्नोलॉजी ढूंढी उस लाइट ईयर तक पहुंचाने की? एज पर दी साइंटिफिक थ्योरीज, आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज है जो नासा ने और हमारे इसरो ने भी कंफर्म किया है कि एक एस्ट्रॉयड है जो आज शायद 14 साल बाद ओके 2036 में, इसकी डेट भी शायद 12 जुलाई या कोई डेट दी हुई है ओके कि उस दिन अर्थ पे टकराने के 72% चांसेस है। तो अर्थ पे ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस बचाना मुश्किल है। तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है? मेरी एक थ्योरी है, एक कहानी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं पर इस पृथ्वी को भी तो किसी ने ढूंढा ही होगा। लोग कहते हैं कि एडम और ईव पहले इंसान थे, मेरी थ्योरी कुछ और कहती है। मैं कहता हूं कि कहीं किसी ग्रह पर ऐसे इंसान थे जिनको पता था कि अब उनका ग्रह रहने लायक नहीं बचा है, सस्टेनेबल नहीं है, ये सोच के वो इस ब्रह्मांड में स्पेस में निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उन्हें ये गोला मिला, ये पृथ्वी मिली। और उन्होंने जब यहां आकर देखा तो उनको लगा कि यार यहाँ पर तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, उनके गोले के लिए, उनके उनकी पृथ्वी के लिए फायदेमंद है। पर क्या वो अपने लोगों को यहाँ ला सकते हैं? क्या वो यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनको वहां ले जा सकते हैं? उसको टेस्ट करने के लिए वो वहां से अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए जिनको आप रोबोट कह सकते हैं या उनके बनाए हुए इंसान कह सकते हैं, एक एडम और एक ईव जो उन्होंने उसको नाम दिया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सस्टेन कर सकते हैं। उन्होंने उनको एक कवच दिया, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ग्लास हाउस बनाया जिसके अंदर पेड़ पौधे फल सब्जी जो जो उन 2 इंसानों के लिए हो सकता है वो सब कुछ रखा गया। उन दोनों इंसानों को नाम दिया गया एडम और ईव। काफी दिनों तक जब एडम और ईव उस ग्लास हाउस के अंदर रहते रहे, उस ग्लास हाउस को उन्होंने नाम दिया ईडन गार्डन, क्योंकि ईडन शायद उस दूसरे ग्रह पर रहने वाले किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। और उस ग्लास हाउस के अंदर उन्होंने फल खाए, फ्रूट्स खाए, सब्जियां खाई, सब कुछ रिसोर्सेज उनको आराम से मिल जाया करती थी। और सब कुछ जब खाते हुए उन लोग वहां पर रहने लगे तब उनको यकीन हो गया दूसरे ग्रह के प्रवासियों को कि भाई ये ग्रह इनके लिए सही है, और अब वक्त आ गया है जब इनको इस ईडन गार्डन से बाहर निकाला जाए और देखा जाए कि इस पृथ्वी पर ये रह पाते हैं कि नहीं। और बस इसीलिए उस ईडन गार्डन को खत्म कर दिया गया होगा और वो दोनों जिनको हम एडम और ईव बोलते हैं वो इस धरती पर अकेले निकल पड़े अपनी एक जर्नी की ओर। उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अर्थ को एक्सप्लोर किया और अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी जो बनी एक मानव सभ्यता। इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा होगा उन एलियंस का जिनको हम एलियंस बोलेंगे या उस दूसरे ग्रह के प्रवासियों का जिन्होंने उनको समय समय पर आकर उनको एनलाइटन किया, उनको चीजें बताई, उनको समझाया ताकि वो इस ग्रह पर अपना एक घर बना सकें, रिसोर्सेस को ढूंढ सकें और इन रिसोर्सेस को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सके। किसी ने उनको एलियंस कहा, किसी ने उनको गॉड कहा, पर ये एक थ्योरी है। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जो कि बात करती है 2255 साल की, जहां पे अर्थ में बहुत कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है
इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे कि फ्यूचर ऑफ अर्थ या फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स, जो इस बुक में हमको मिलती है। इसका नाम है डैड केम रेकनिंग, इसका नाम है डैड केम रेकनिंग। ये लिखी है हिमांशु जी ने, मेरा नाम भी हिमांशु है, आज मेरे साथ जो गेस्ट है मेरे उनका नाम भी हिमांशु है। तो हिमांशु जी, स्वागत है आपका शो जिसका नाम है बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, हम आज 2024 में हैं, क्या दिमाग में आया जो आपने 2255 की कहानी लिख डाली? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, अगर आपको आज की अवेलेबल टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड कोई स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है, तो स्वाभाविक है आपको कोई ना कोई फ्यूचर टाइमलाइन उठानी पड़ती है। वो फ्यूचर टाइमलाइन कुछ भी हो सकती है, मैं 1000-2000 साल बाद की भी बात कर सकता था, लेकिन एक जिस तरीके से हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड अगर साथ में आपको कुछ सपोर्टिव इस तरीके का एक सराउंडिंग, एक इकोसिस्टम भी मिल जाए, तो शायद वही चीज आप और जल्दी कर सकते हैं। दूसरी, क्या आपके पास सचमुच उतने 1000 साल की लग्जरी है जिस रेट पे हमारा डिटेरियरेशन चल रहा है? सो उन सबको देखते हुए आपको एक 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 टाइमलाइन कहीं ना कहीं अपनी डिसाइड करनी पड़ती है कि जितने तक तो आप सस्टेन कर सकते हो, जिसके बियॉन्ड मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ बिल्कुल ही क्वांटम डिफरेंस, क्वांटम इंप्रूवमेंट ना आया, सो इसलिए ये मुझे लगभग जो मैंने रफली 225 साल बाद ये कहानी शुरू होती है, वैसे तो इसके शुरू में एक स्पॉइलर है जो और 30 साल बाद की बात करता है, लेकिन वो स्पॉइलर बेसिकली इसके आगे आने वाले सीक्वल्स वगैरह को डिस्कस करेगा, वहां का वो आपको हिंट दे रहा है। वो जो कैरेक्टर्स हैं जो 2285 के अंदर सीनियर मिडिल एज में है, वो 2255 में टीनेजर्स थे। और यहां पे मेरी ये जो स्टोरी लाइन है, इसकी टाइमलाइन शुरू होके आती होती है कि एक्चुअली ये इस टाइम तक, इससे भी 100 साल पहले 2155 में ह्यूमैनिटी ने अपना बिगेस्ट लीप ले लिया था। उसने एक हैबिटेबल प्लैनेट आइडेंटिफाई कर लिया था और उस पर माइग्रेट भी कर लिया था अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। और उसकी वजह यही थी कि कुछ हमारी करतूत एज ह्यूमंस, कुछ नेचर, इनका एक कॉकटेल ऐसा क्रिएट हुआ जो कि ये वाली जो हमारी करंट सेंचुरी है 21st सेंचुरी, इसके एंड तक आते आते हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। आज भी हम 2024 में जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबके माथे पे कुछ लकीरें हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं तो बाढ़ आ रही है, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो जाए। गर्मियां आती तो ऐसी आती है कि लगता है कि खाल सूख जाएगी। तो कुछ जगह सर्दियां, ब्लिजर्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, यू आर नॉट इक्विप्ड ट्रेडिशनली। तो इस रेट पर प्लस जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी मैं नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसा ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जिसके पास एटॉमिक पावर का बटन हो और वो उसे दबा दे, ऐसा कोई नहीं करने वाला। डर रहेंगे हमारे, लेकिन ये ज्यादातर ये आपके शोपीस और ये प्रेशर के गैजेट्स या इस टाइप की चीज रहेगी। एक्चुअल ग्राउंड पे जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर करा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेरिट कौन सही कौन गलत, ऑल आई एम सेइंग इज कि वर्ल्ड ऑर्डर जब जब करवट लेता है तब तब नए नए क्राइसिस, नए नए कॉन्फ्लिक्ट आएंगे और वो हालात को और खराब करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, और दूसरी तरफ रिसोर्सेज घटती जाएंगी, और साथ ही साथ जो ये ग्राउंड लेवल झगड़ा है वो बहुत सारे जो आपके रिसोर्स क्रिएटिंग लैंड वगैरह सब है जिससे आपको उपज वो सब मिलेगी, उसका धीरे धीरे करके नुकसान ही करती चली जाएगी। सो मेरी टाइमलाइन के अंदर इस सेंचुरी के एंड तक आते आते हालात ऐसी हो गई थी कि
जो रेशो होता है ना पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज का, बहुत लॉपसाइडेड हो गया था। अभी हालात ऐसी बन गई कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था इतने लोग पलेंगे कैसे। तो फिर एक थ्योरी ऐसी भी चलने लगी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि भैया हो सकता है हमें कुछ मास कलिंग भी करनी पड़ जाए। ऑफ कोर्स क्लैंडेस्टाइन रहेगा लेकिन करनी पड़ जाए। वो इतना सिनफुल मोमेंट होता कि किसी के अंदर भी बोलना आसान है लेकिन उस चीज को करेगा कौन, लेकिन उसके करे बिना गुजारा नहीं है। अल्टरनेटिव क्या थे कि आप आसपास के किसी ग्रह पे कुछ कॉलोनी बसा दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था। इवन अगर हम मार्स की बात करें तो अभी भी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो फास्टेस्ट तरीके से भी टेराफॉर्मेशन अगर आप कर डाले उसके अंदर, उसके बावजूद भी कम से कम 15,000 से 25,000 साल लगेंगे आपको उसको हैबिटेबल बनाने में। अभी वहां पर 4, 6, 10, 20, 50 सैंपल छोड़ने की बात नहीं है, जिसमें से एक भी बंदा अगर आप वहां रखते हैं तो वो आपके एक शहर के बराबर के रिसोर्स चाहिए उसे पालने के लिए। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो वायबल ऑप्शन नहीं रहे। इस सारी टेंशन के बीच मेरी स्टोरी लाइन के अंदर एक कॉर्पोरेशन है जो मैं उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा, उसको भी टच नहीं करते। चलिए ठीक, मैं जाऊंगी टेक्नोलॉजी में, उसके पहले से डिटेल में बात करूं। दिस वुड बी द सिनेरियो जहां पर कि क्राइसिस इतने लेवल पे पहुंच चुका है, इस सेंचुरी खत्म होते होते कि अब कुछ होना जरूरी है। सो अब आप कुछ और पूछ, आप युगों में विश्वास रखते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग? हाँ, ये किस हद तक विश्वास रखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो हमारा एक जो वेस्टर्न या आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिक एंड नॉन इंडिक में अगर मैं बोलूं तो इंडिक जो फिलोसफी है वो साइक्लिकल टाइम पे बात करती है, जिसके अंदर हर दौर आएगा जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर पहला आ जाएगा, काइंड ऑफ ओके। अब इतना ज्यादा तो मैं इसका ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हाँ बेस के रूप में मैं इस पर, मतलब अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो जो हम युगों की बात करते हैं, युगों के हिसाब से अगर हम बैक कैलकुलेशन करें तो जो हमारे युग शुरू हुए थे वो आपकी पृथ्वी की उम्र के बराबर आ जाते हैं। ओके, वो इतना प्रिसाइसली कैलकुलेटेड है। ओके, उसके हिसाब से जैसे कि मैं उन युगों को बहुत मानता हूँ। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि हम आज कलयुग में हैं और लगभग 100,000 साल का और कलयुग बचा हुआ है, ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं श्रद्धा की बात करूं तो मैं कहूंगा कि अगले 1 साल तक, 100,000 साल तक पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला, ना इसकी रिसोर्सेज को कुछ होने वाला है, ना इसके लोगों को कुछ होने वाला है, ना कोई मीटियोर या एस्ट्रॉयड आके टकराने वाला है। ओके, हाँ 100,000 साल बाद जरूर कुछ होगा, क्योंकि युग फिर से करवट लेंगे, ठीक है, फिर हम एक नए युग में जन्म लेंगे। अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपको लगता है ऐसा सही है, या आपको लगता है नहीं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इतने शॉर्ट हो जाएंगे कि कलयुग वलयुग छोड़ो अब कुछ सालों बस बस फिनिश्ड? देखिए ऐसा है कि ये जो युग भी एक कंसेप्ट है जो हमने, अब मैं आई नॉट ट्राई टू बी पर्सन हु कैन रीडिफाइन एवरीथिंग, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत हद तक ये एक इंटेलेक्चुअल कन्वीनियंस भी होती है। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि हर कुछ अगर डिफाइंड ही है तो फिर हमारे कुछ करने ना करने से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये ठीक है कि आपको एक सड़क दे दी गई कि आप इस पे गाड़ी चलाएं, सो नॉर्मल पार्लेंस के अंदर उम्मीद की जाती है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना किसी विघ्न के आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने अलावा के ड्राइवर्स, अचानक साथ खड़ा हुआ कोई पेड़ जो सेंट्रल उससे नीचे गिर जाए वर्ष से आके, या बाय चांस आपका ही ब्रेक फेल हो जाए, आप इन सब चीजों को, या फेंट हो जाए, ऐसे बहुत सारा कुछ हो सकता है जो आपकी उस गिवन फ्रेम कैलकुलेशन से बाहर की बात है। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन ऐसी चीज नहीं है जिसको आप, हम मान के चले कि वो रोबोट की तरह बाइनरीज में ही काम करेगा, वो एक बहुत बड़ा एक सर्कल बनता है हमारे ब्रेन्स का आपसी इंटरेक्शन के थ्रू। कभी हमें कुछ अच्छे लगते हैं तो हम उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, और किसी पे हमें गुस्सा आता है तो रैशनली हमें उतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं रोड रेज में जरा सी बात पे लोग एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। अगर 2 मिनट रुक जाएं तो हो सकता है एक दूसरे को ये बोले भाई ध्यान से चलाना यार, ऐसा मत करो, हो सकता है आज तो गाड़ी पे टच हुआ, कल किसी को उड़ा देते तो क्या होता, ये विचार भी आ सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी
एग्जैक्टली उस गिवन फ्रेम पे काम करेगी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मानना। और दूसरा हम अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो हम लोग पूरे उस अंतरिक्ष के अंदर एक कण के बराबर है, पूरी पृथ्वी को अगर हम बात करें तो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो अपनी वजहों से मूव करती है। वो सारे मेटेरॉइड ऑल दैट वो आपकी कैलकुलेशन पे नहीं आ रहे हैं, वो कहीं से धक्का खा के किसी की तरफ अट्रैक्ट होके और कोई उन्हें रुकावट नहीं मिल रही तो वो आ गए। अब भाई उनमें से अगर कोई आ गया तो वो इसलिए नहीं रुक जाएगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज है जो नासा ने और हमारे इसरो ने भी कंफर्म किया है कि एक एस्ट्रॉयड है जो आज शायद 14 साल बाद 2036 में जी, इसकी डेट भी शायद 12 जुलाई या कोई डेट दी हुई है कि उस दिन अर्थ पे टकराने के 72% चांसेस है। उनका जो एफिशिएंसी रेट होता है, एफिकेसी रेट जो होता है, वो जनरली सारे एस्ट्रॉइड्स का मीटेरॉइड्स का कैलकुलेट करते हैं एंड दिस इज द मैक्सिमम एफिकेसी वेयर इट कैन हिट द अर्थ। और उसकी साइज काफी बड़ी है, शायद 300 माइल्स के आसपास है। तो कहा जा रहा है कि अगर वो अर्थ से टकराता है तो अर्थ पे ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस बचाना मुश्किल है। उसके लिए शायद दे आर वर्किंग ऑन दैट डार्क टेक्नोलॉजी और समथिंग। तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है, फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है या बस? देखिए डाल डाल पात पात चलेगा, नए चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, उन चैलेंजेस से भिड़ने का चैलेंज रहेगा। आप कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो मेरी टाइमलाइन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हर कैलकुलेशन के अंदर एक ग्रे एरिया होता है। यहां पर हम कुछ चीजों को और मान के चलें, हम बहुत आइडियली लोकेटेड हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जुपिटर और सैटर्न जैसे दानव भी खड़े हैं जो बहुत कुछ हिला डालेंगे। उसके बीच में इतनी दूर से आने वाला, हमें एक डर है कि 60% 70% चांसेस है, लेकिन उसकी काउंटर फोर्सेस भी नेचर ने ही बना रखी है। ऐसा नहीं है ब्रीच नहीं आती है, जो कहते हैं डायनासोर के टाइम पर आई थी वगैरह वगैरह, अब आ गई तो भाई हम क्या ही करें। लेकिन इस थॉट को हम बहुत सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब उसके अलावा आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? नेचुरली आज से 50 साल पहले भी अगर ये हो गया होता तो आप तो कुछ कर भी नहीं सकते थे ना। 2012 में बहुत हल्ला था कि 2012 में अर्थ खत्म होने वाले हैं, दुनिया खत्म होने वाली, फिल्में बन गई चल गई, करोड़ों कमा लिए फिल्मों ने। पर आपके लिए एज ए राइटर आप डूम्सडे को कैसे देखते हैं? मैं उसे, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर डूम्सडे। कोई कहता है कि नहीं डूम्सडे मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने रिसोर्सेज यूज कर ली, अर्थ खत्म हो गया, दैट द सॉर्ट ऑफ डूम्सडे। एक डूम्सडे की कोई एस्ट्रॉइड आके टकरा गया, डूम्सडे हो गया। कुछ मूवीज में आप देखोगे तो डूम्सडे ये है कि मून ही अर्थ पे गिर गया। तो व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ अ डूम्सडे? नहीं, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां हम स्लो पॉइजन दे रहे हैं, या समझे दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उस जिस डाली पे बैठे हैं उस पे धीरे 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 करके ना एक आरी चला रहे हैं। अब बहुत जरूरी नहीं है कि हम उसका काटने की इच्छा हो रही हो, कभी कभी बैठे बैठे भी होता है कुछ, है ना। फिर कभी कभी मन करता है खोद के देख लो यार इस खाल छाल के नीचे क्या है, अब मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन और कुछ चीजें नेचुरल भी है कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो उनकी एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट कोई तो पे करता है अपने अपनी करेंसी में। हम और आप पोल्यूशन के रूप में पे करते हैं, नेचर उसको अपनी डिप्लीशन के रूप में पे करता है। लेकिन एक टाइम आता है, जैसे अगर मैं सिमिली देना चाहूं तो हमारे शरीर में कुछ ऑर्गेन ऐसे हैं जो इतने फेथफुल सर्वेंट है कि वो आखिरी दम तक काम करेंगे। लेकिन जिस टाइम पे टिपिंग पॉइंट आ गया सर, उनका आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बस उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने से रोक लीजिए। और ये बात भी पक्की है कि ये विशफुल थिंकिंग होती है, हम सारे कोशिश करेंगे, वही है जो मैं पहले कर रहा था डाल डाल पात। आपको एनर्जी रिसोर्सेज के लिए काम भी करना है तो उसके लिए पोल्यूशन होगा ही होगा, होगा तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर कुछ इक्वेशंस बनेंगी, कुछ
बोनाफाइड कुछ मेलाफाइड वो सब खेल चलते रहेंगे। फिर धीरे धीरे अचानक क्या होगा, अचानक आपको ये महसूस होगा कि भाई ये तो हम सोर्स ही चेंज क्यों ना कर लें, हम रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो रिन्यूएबल के लिए जो इक्विपमेंट बनाने हैं उन इक्विपमेंट्स को बनाने में भी पोल्यूशन हो रहा है। अब हम बिल्कुल एकदम ये मान के चले कि नहीं हम सब कुछ एकदम बिल्कुल ब्राइट एंड व्हाइट कर डालेंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो ये संभव नहीं। अब उसका तरीका एक ही बचता है, जो टेक्नोलॉजी जिस लेवल तक आपने पा ली, अब ढूंढिए कोई ऐसा ग्रह जो साफ सुथरा है और वहां पर साफ सुथरी टेक्नोलॉजी के साथ अगला सफर करिए, ताकि आपके वो जो गंदे वाले फुटप्रिंट है ना, कम से कम वो नई जगह ना पड़े। मुझे और कोई सही समझ नहीं है। अपने वाले को सुधारिए, आई एम नॉट सेइंग। अपने वाले को सुधारने के लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको जी, कि जैसे कि मैं नोट करता हूँ जी, जो आप कह रहे थे ना कि हम जिस डाल में बैठे हैं उस डाल को हम धीरे धीरे काट रहे हैं, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम रियली में अपनी डाल को काट रहे हैं जी। पॉल्यूशन और प्लास्टिक सब तो बड़ी बातें होंगी, मैं छोटी छोटी बात बताऊं आपको। जो प्रेजेंट जनरेशन है, बच्चे जो हैं, आप देखिए उनका स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है, मोबाइल पर कितना ज्यादा है। मोबाइल में जब देखिए वो क्या देख रहे हैं, शॉर्ट्स या रील्स, फट 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 स्क्रॉल कर रहे हैं। विद इन सेकंड्स कॉमेडी देखा, सीरियस देखा, स्पोर्ट्स आ गया, ये आ गया। विद इन वन मिनट या उससे भी कम सेकंड्स में उनके दिमाग का माइंडसेट, जो माइंडसेट है आपका, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब अटेंशन स्पैन तो गड़बड़ हो ही रहा है, प्लस आपका मूड भी होता है ना। आपका मूड क्या, अभी आप कॉमेडी देख रहे हैं, 30 सेकंड बाद आप सीरियस थिंग देख रहे हैं, अगले 30 सेकंड में आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, अगले 30 सेकंड में आप कोई मर्डर देख रहे हैं, कोई फिर आपने कोई चेस सीन देख लिया। तो इन एवरी 30 सेकंड योर माइंड इज शिफ्टिंग दैट मूड, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसके दिमाग पर क्या असर डालेगा, जब उस एज तक चलता रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक देखता रहेगा, दैट विल क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम ऑन हिज माइंड सेट। ये एक वन प्रॉब्लम है। सेकंड, बच्चों का आप सिटिंग टाइम देखिए, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम इंक्रीजिंग उनका सिटिंग टाइम बढ़ रहा है, विच इज द रिड्यूस रिडक्शन ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटी। छोटी ये चीज है, आपका लिवर, लिवर हम जनरली लिवर के बारे में बात कम करते हैं, क्योंकि वो बेचारा ऐसा ऑर्गन है जो लास्ट मोमेंट तक काम करता है। बट मैक्सिमम पीपल, अगर आप जिससे पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा फैटी लिवर है, हाँ वो सबको होता है फैटी लिवर, हाँ सबको होता है। जनरली 99% लोग बोलेंगे हाँ फैटी लिवर है, सबको होता है, विदाउट हैविंग अ नॉलेज कि फैटी लिवर होने के कारण आपके लिवर पर जब फैट जमा हो जाता है तो आपका लिवर इतना कम काम करने लगता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपको डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, आपको स्ट्रोक आने का खतरा हो जाता है, आपको पैरालिसिस होने का खतरा हो जाता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कीप ऑन लिंगरिंग एंड कीप ऑन स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पर हम वही ना दाल को धीरे 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 काट रहे हैं, हम उस चीज को आज नहीं समझ रहे कि कल क्या हो सकता है। हम अपने बच्चों को तुरंत चॉकलेट पकड़ा देते हैं, कैंडी पकड़ा देते हैं, विच इज आई थिंक 80-70% उसमें शुगर ही होता है, और शुगर क्या है, दैट इज टोटली इम्पैक्टिंग योर लिवर। जहां लिवर बड़े होते होते तक आपका लिवर बर्बाद, तभी आप देखिए, बल्कि मैं कहूंगा जो मेरे फादर लोग की जनरेशन थी, आज से एक जनरेशन पहले की हम बात करें, उस जनरेशन में लोग 60-70 तक आके बूढ़े हो जाते थे। आपके पेरेंट्स मेरे पर भी 60-70 तक बूढ़े कहलाने लगते थे, उनको जनरली डायबिटीज हो जाता था, कोलेस्ट्रॉल हो जाता था, जनरली लोगों की तोन निकल आती थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में वो इन्फॉर्मेशन की मिसिंग थी। दे वर ईटिंग इन एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते थे, विच इज कैंसेरियस। वही किसी ने लिवर पर ध्यान नहीं दिया, जो बन रहा है खा रहे हैं, पूड़ी पराठे तेल। हमारी जनरेशन में मैं तो कहूंगा कि जब हम 40+ हो गए तब थोड़ी इन्फॉर्मेशन आने चालू हो गई है, बिकॉज ऑफ विच वी आर ट्राइंग कि थोड़ा धीरे धीरे डाल काटे, उतनी तेजी में ना काटे। तो दिस इज वन थिंग आई एम सेइंग कि ये एक तरीका है जो हम अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लाइक दिस देर आर मल्टीपल थिंग्स, स्मॉल 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 थिंग्स, जो हम अपनी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। शायद अर्थ को तो खत्म कर ही रहे बट बड़े बड़े फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन या टेम्परेचर, बट हम ह्यूमन रेस को खत्म कर रहे हैं विद स्मॉल 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 थिंग्स। मैक्सिमम फूड आइटम्स अगर आप खा लो, आप कोई भी चिप्स, जनरली हमें भूख लगती है फटाफट चिप्स खरीदते हैं खा लेते हैं। आप बड़े से बड़ा ब्रांड उठा लो, उसमें तेल कौन सा यूज है, पाम ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल नहीं, कोई सीड ऑयल नहीं, पाम ऑयल।
विच इज कैंसेरियस प्रोडक्ट. अगर आप ज्यादा पाम ऑयल खाते हैं, आप कैंसर इज ग्रोइंग इन योर बॉडी. ओके ओके. तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली अपनी जनरेशन को ही खत्म कर रहे हो. सो वी ह्यूमंस जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे डाल काट रहे हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि डूम्सडे शायद अर्थ खत्म होने से नहीं आएगा, ह्यूमंस के खत्म होने से आ जाएगा. ये भी एक आपका थॉट जो है, बिकॉज सी हम सब इन चीजों पे विचार रखते हैं, उनके बाद उन्हें डेवलप करते हैं. ये सारी लाइन ऑफ थॉट हैं. कुछ लोगों का ये मानना है कि यही हमारा एवोल्यूशन है. अब हम मान के चल रहे हैं कि हम जो आज का फॉर्मेट है हमारा, फिजिकल फॉर्मेट, बॉडी फॉर्मेट, दिस एंड दैट, वो वैसा ही रहने वाला है. और उसको स्टेबल मान के हम अगले आने वाले 2000, 5000, 10000 साल की बात कर रहे हैं. यू नेवर नो. आज तक मैंने कोई, जितनी भी मूवीज देखी हैं जिसमें एलियन देखा, वो कोई भी एलियन ऐसा नहीं होता जो आपके मेरे ऐसा लगता हो, है ना. वो बड़ा ट्रायंगल सा, बड़ा मोटी मोटी आंख है ना. तो कुछ नहीं पता कि किसी एक स्टेज का एवोल्यूशन आपको वहां भी कंपेल करते हैं. एंड जो जितने भी हम लोग जो फिक्शन राइटर हैं, हम कभी ये नहीं इमेजिन करना चाहेंगे कम से कम कि ह्यूमन सर्वाइवल उस शेप में निकल गया है. हमारी इच्छा है कि हमें मिले वो सब कुछ, सब अच्छा अच्छा मिल जाए, लेकिन ये जो जिस बॉडी में हम कंफर्टेबल है, जिस फॉर्मेट में हम कंफर्टेबल है, ये भी मेंटेन रहे, यही मेंटेन रहे, है ना. यही तो इच्छा होती है ना कि आपको दोनों चीज चाहिए. आपको एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छी बात भी चाहिए, बट द सेम टाइम आपको वो सारे गैजेट भी चाहिए, है ना. हमें वो सब कुछ चाहिए. सो यहां पर आता है जहां वो मेरे जैसे एक फिक्शन राइटर, वो देख लेता है कि इस स्टेज, इस सिचुएशन में हमने सुधरना तो है नहीं. ठीक है, लेट मी बी ब्लंट ऑन इट. कुछ करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, अवेयरनेस आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हम इतना नहीं सुधर सकते जितना कि हम, जो आपने बोला था ना, सतयुग पहुंचा देंगे. तो उसका अल्टरनेटिव बनता है कि भाई साहब, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. और उसके हिसाब से एक फिक्शन राइटर, जो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं हम कॉलोनाइज कर सके इधर उधर फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, इंक्लूड्स कि अर्थ पे खतरा हो सकता है. तो मेरे जैसा एक राइटर वो ही सोचता है कि चलिए ठीक है, हम एक ऐसा ऐसी एक यूटोपिक आदर्श एक प्लेनेट में पहुंच जाए जहां क्लीन स्लेट पे हम काम कर सके. और वो क्लीन स्लेट में ये अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो है ये हमें मिले, हमें दोबारा से वो भला वाला लेके भागने की जरूरत ना पड़े, पूरा फुल एवोल्यूशन आदि मानव वाला नहीं, इतने से हम आगे स्टार्ट करें, बट नाउ विद अ क्लीन स्लेट. एंड दैट इज वेयर आई हैव लैंडेड. मुझे ना एक बार में किसी एक बात कह रहा था जी, मैंने कहा हम कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल से जिंदा है, अभी पता नहीं कहाँ है, पर कल्कि के समय वापस आएंगे. ओके, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि अश्वत्थामा जहां भी है, कहीं ये बर्गर और पिज्जा ना खा रहे हो, वरना कल्कि तक जिंदा नहीं रह पाएंगे. नहीं, अभी तो पीछे कुछ हफ्ते पहले आ गए थे वापस एक मूवी में, अमिताभ जी ने काम किया था, वो अश्वत्थामा बने हुए थे. इंसिडेंटली जब आपने जिक्र किया था ना चार युगन एक्सेट्रा, आप मेरे बुक के अंदर एक रेफरेंस पाएंगे. रेफरेंस सरफेस होगा वो इसके सीक्वल में, जहां मैं कई बार जिक्र करूंगा अश्वत्थामा कर्स. और एक्चुअली जैसे जैसे ये डेवलप होगा मेरा प्लॉट, ये है तो एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन, लेकिन इसकी रूट्स आपको धीरे धीरे करके वही जोड़ती मिलेंगी जो कि आपका द्वापर युग के अंदर के, क्योंकि द्वापर के बाद का कलयुग है, तो जो उसके हैंगओवर रहेंगे, जो उसके कनेक्ट रहेंगे, उन कनेक्ट्स का रेफरेंस आएगा. और कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि जब इसी कारण से मैंने आपसे युगों की बात की, क्योंकि आपकी बात करती है बुक फ्यूचर की, और अगर हम उसको युगों से कनेक्ट ना करें, द्वापर युग से कनेक्ट ना करें, अश्वत्थामा से कनेक्ट ना करें, कल्कि से कनेक्ट ना करें, तो वो अधूरा लगेगा. जी जी जी, कल्कि वाले सिचुएशन को तो मैंने, क्योंकि
कल्कि अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक फिक्शन कैरेक्टर है जिन्होंने आना है एज पर आवर फिलोसफी। वो कोई ऐसे राइटर ने लिखा है जो आप तो अभी 2255 लिख रहे हैं, उन्होंने अंत की कहानी तक लिख डाली है, मतलब उनका इमेजिनेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने चलिए जो वापस आते हैं आपकी बुक के ऊपर, तो हम जानते हैं कि कोई भी हमको एक्सो प्लैनेट मिलता है, कोई दूसरा प्लैनेट मिला जहां हम फॉर एग्जांपल जहां हैबिटेबल है और हम जा सकते हैं, बट कोई प्लैनेट विल बी सम लाइट ईयर्स फार। ऑडियंस के लिए जो लाइट ईयर्स नहीं समझते, मतलब अगर मैं कहता हूँ 10 लाइट ईयर, मतलब आपको उतने साल लगने हैं, लाइट एक लाइट ईयर 3.02 कितने साल होते हैं, उतना आप मल्टीप्लाई कर लो, उतने लाइट की स्पीड से चलना, मतलब उतने साल आपको लगेंगे वहां। तो पहले तो लाइट की स्पीड पे हम आते हैं, जब आप ये रिसर्च कर रहे थे बुक लिखने के लिए, तो हैव यू रिसर्च किया मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कैसे करेंगे, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 या 4 बिलियन लाइट ईयर दूर कोई प्लैनेट मिलता है और उस तक ट्रेवल करना है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। क्योंकि एक तरीका तो है, ठीक है भाई, नासा कहेगा मैं कोई लाइट ईयर लाइट से ट्रेवल करने वाला रॉकेट बना देता हूँ, ठीक है, पर वो भी अगर मान लो एक लाइट से ट्रेवल करने वाला रॉकेट बन भी गया, ठीक है, और आपको प्लैनेट मिला है 3 बिलियन लाइट ईयर दूर, तो आपको तो 3 बिलियन ईयर लगेंगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है, लाइट की स्पीड से चलेंगे तब, तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ चलो 10 लाइट ईयर दूर, 10 लाइट ईयर तो खैर बहुत ही पास हो गया, उतना तो हो ही नहीं सकता, मतलब जो भी लाइट ईयर होगा आपका कुछ लाखों में तो होगा, स्केल पे लाखों में तो ईयर बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, मतलब 200, 300, 400 लाइट ईयर दूर तो उतना तो खैर साइंटिस्ट ने ढूंढ ही लिया है, जो ही मिलेगा वो लाखों लाइट ईयर दूर ही मिलेगा। अब लाखों लाइट ईयर दूर अगर ह्यूमंस को पहुंचाना है तो किसी की तो लाइफ ही नहीं है 1 लाख साल की, तो इम्पॉसिबल है कि आप पहुंच सकते हो। तो व्हाइल रिसर्चिंग दिस बुक, आपने क्या टेक्नोलॉजी ढूंढी उस लाइट ईयर तक पहुंचाने की? देखिए ऐसा था, मैं कहीं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने कुछ इन्वेंशन कर डाली, नॉट इवन इन फिक्शन। हम सिर्फ जितने अवेलेबल कॉन्सेप्ट या थ्योरीज क्रिएट होती है, हम उन्हीं पे कहीं ना कहीं प्ले करते हैं, उनमें से किसी को हम रिफाइन कर लेते हैं, किसी को हम मॉड्यूलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि ये ठीक बात है कि पहले तो आपने बताया कि भाई सपोज बना लिया, एज पर दी साइंटिफिक थ्योरीज आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल है, तो वो तो बात आप छोड़ दीजिए। दूसरा इसके साथ में एक जो पॉसिबिलिटी, एक एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी या समझिए कि एक हाइपोथेसिस जो बनती है, वो बनती है वार्पिंग द टाइम एंड स्पेस। सो जो लोग जो इस वार्पिंग वाले कंसेप्ट को, वैसे तो एक बार अच्छा है कि गूगल करके देखें तो पता चल जाएगा, वार्पिंग बेसिकली अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक टाइम लगेगा, उसको आप जितना मर्जी तेज कर ले फिर भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप इनको दोनों पॉइंट को वॉर्प कर दें तो आप जस्ट यहां घुसते हैं यहां निकल जाते हैं। ये फिक्शंस के अंदर बहुत यूज हुआ है, टेलीपोर्टेशन हम इसे बोलते हैं, अलग अलग रूप में लोगों ने इस्तेमाल किया। जब मैं इसे इस्तेमाल कर रहा था, मैंने सिर्फ ये देखा कि लेट दिस नॉट बी जस्ट लाइक इतना केक वॉक ना हो जाए कि मतलब उसके अंदर थोड़ा सा तो कुछ ऐसा हो जो आपको कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन क्रिएट कर रहा हो। अब मैं अपना बता देता हूं, मैंने वार्पिंग टेलीपोर्टल्स को ही जरिया बनाया है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, इंसिडेंटली रैपिंग ड्राइव, वॉर्प ड्राइव जो है, वॉर्प ड्राइव क्रिएट होता है, लेकिन वॉर्प ड्राइव भी देखिए, एक है वॉर्प ड्राइव जिसके अंदर आप बैठते हैं, अब वो वॉर्प ड्राइव भी पर से लाइट की स्पीड पे नहीं चल सकता। हाँ, एज पर माई थ्योरी वो उसके लगभग 1/3 से 50% की स्पीड पकड़ सकता है। देन जो मेरा टेलीपोर्टल है, इट्स नॉट जस्ट लाइक दरवाजा खोल के घुस जाओगे और वहां निकल जाओगे, डोरेमोन का दरवाजा, हाँ जी, वो नहीं हो सकता, मतलब कम से कम मेरे वाले उसके। तो आपको उस टेलीपोर्टल में घुसने के लिए कम से कम 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से घुसना पड़ेगा।
अदरवाइज आप उसमें घुस नहीं पाएंगे। घुसने इन द सेंस आप अगर सपोज वो टेलीपोर्टल बना आप वैसे करके जा रहे हो तो कुछ नहीं हो, आप वहीं पर हो, पोर्टल यूज नहीं हो रहा है, आप फिजिकली दरवाजा खोल के उधर गए तो देखा तो आप तो वहीं हो। इसके अंदर जब आप लाइट की स्पीड से उसमें घुसेंगे, सॉरी लाइट की स्पीड नहीं, वन थर्ड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर आप घुसते हैं, देन वो पोर्टल आपको नेक्स्ट जो उसका एग्जिट पॉइंट है वहां पहुंचा देता है। अब यहां पे एक और लिमिटेशन आती है, गैस बहुत वोलाटाइल है, गैस कैनॉट ट्रेवल इन नीदर वॉर्प ड्राइव नॉर टेलीपोर्टर, यहां फंस जाते हैं क्योंकि हर लिविंग बींग के बॉडी जो है उसके अंदर एयर पॉकेट होते हैं, उससे आप डिवोर्स कर ही नहीं सकते उसे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ लिविंग बींग, प्लीज उसे हाइपर टेक्निकल अमीबा एंड दिस एंड दैट पे हम नहीं जाएंगे, वी आर टॉकिंग ऑफ हाई लाइफ ह्यूमन एंड वो सारे जीव जो हमें अपने आसपास एक्चुअली चलते दौड़ते फिरते उड़ते दिखते हैं उन सबके अंदर एयर पॉकेट्स, तो आप जीते जीते उन्हें दूर नहीं कर सकते। हाँ डेड मीट है तो आप उसको पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे होता है ना बिल्कुल एकदम दबा के और सही से वैक्यूम के वैक्यूम वैक्यूम कर दो, तो उसके लिए वहां पर इस लिमिट, ये मेरी सेकंड लिमिटेशन थी। इस लिमिटेशन को क्रॉस करने के लिए अब आपको शरण में आना पड़ेगा उस इंडिक फिलोसफी की, वो मेटाफिजिक्स, जहां परकाया प्रवेश का एक कंसेप्ट हमारे यहां पे आता है, जिसमें आप शरीर से उस कॉन्शियसनेस को निकाल सकते हैं और वापस डाल सकते हैं। निकलने में डेथ तो हम सबको दिखता ही है कि होती रहती है, लेकिन अगर वो वापस आ जाए और उसके लिए एक डिफाइंड मैकेनिज्म, इट्स नॉट जस्ट लाइक रैंडम किसी ने कहा मैंने सुना टाइप ऑफ, नो, लेबोरेटरी प्रूवन मैकेनिज्म। तो अब क्या होगा, आपने कॉन्शियसनेस सेपरेट करा, बॉडी सेपरेट हुई, नाउ बॉडी इज ऑलमोस्ट अ डेड मीट, अब आप उसको आराम से एयर ड्रेन करिए, ममीफाई करिए, पैक करिए। सिमिलरली वो जो कॉन्शियसनेस है उसको आप पैक करिए, वो जो तरीके टेक्नोलॉजीज होंगी डेफिनेटली फिक्शन है लेकिन थॉट यही है। फिर वो दोनों पैक होके वॉर्प ड्राइव में रख के टेलीपोर्टल से पार होके डेस्टिनेशन पे जाएंगे, डेस्टिनेशन पे उनको रीमर्ज करा जाएगा, रीमर्ज के बाद रिहैबिलिटेट करा जाएगा, और रिहैबिलिटेशन के बाद डेस्टिनेशन पर वो फुली फंक्शनल लिविंग बींग के रूप में रहे और काम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ना बहुत पुरानी है। ओके आपने मृत संजीवनी विद्या के बारे में सुना है? मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को दिया था, हमारे जो इंडिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये आता है। तो शुक्राचार्य जी यही करते थे, जब दानवों को जी देवता मार दिया करते थे तो उनकी सोल अलग हो जाती थी, बॉडी अलग हो जाती थी, तो वो मृत संजीवनी विद्या जो केवल शुक्राचार्य जी के पास हुआ करती थी, वो उससे पूरी जो प्रोसेस थी वो करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और फिर उस सोल को वापस उस शरीर में डाल के उसको रिहैबिलिटेट कर देते थे। तो वो थी मृत संजीवनी विद्या, जो कहते हैं कि उनके बाद कच्छ को मिली थी जो कि कुबेर के पुत्र थे, पर उसके बाद वो कभी आगे आई नहीं, मतलब वो किसी को पता नहीं है उस विद्या के बारे में। तो जब मैं आपकी बुक का ये रैपिंग ड्राइव पढ़ रहा था तो मुझे कुछ कुछ मृत संजीवनी विद्या का ध्यान में आया। कोइंसिडेंस पुराने राइटर जिन्होंने वेद पुराण लिखी उनसे कंपेयर करो तो उनकी भी सोच वही थी जो आपकी सोच थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इंसानों की सोच कई लाखों साल से वही है कि कैसे इस शरीर के अंदर छुपी हुई आत्मा को बाहर निकाला जा सके और कैसे उन दोनों को वापस जोड़ा जा सके, ये हम इतने लाखों सालों से सोच रहे हैं, शायद आने वाले समय में हम इस संजीवनी विद्या को पार कर सकें। देखिए ये जो मैंने जहां से इसकी स्ट्रेंथ ली है या समझिए जिसको मैं अपना सोर्स मानूंगा, एक कथा आती है जिसमें शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में एक काशी के अंदर एक वाद विवाद होता है जिसके अंदर मंडन मिश्र हार जाते हैं। मांडवी मिश्र जो उनकी पत्नी थी वो मंडन मिश्र कौन थे? मंडन मिश्र जैसे शंकराचार्य भी एक विद्वान थे, मंडन मिश्र भी। अच्छा।
उस टाइम पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे, डिस्कशन करके हम बातचीत करके डिसाइड करते थे कौन सही है कौन गलत है। अब मैं उनमें उस चीज में तो नहीं जा पाऊंगा कि उनके न्यूएंसेस क्या थे, किन पॉइंट्स पे वो डिस्कस कर रहे थे, पर जो भी वो थी उनके अंदर अल्टीमेटली मंडन मिश्र हार गए। मांडवी मिश्र जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी वो जज थी, लेकिन ऑनेस्टी का लेवल देखिए, उन्होंने डिक्लेयर करा कि नहीं मंडन हारे हैं, शंकराचार्य जीत गए। बट अब बात आती है कि मांडवी मिश्र जी को ये लगा कि नहीं ये ठीक है कि ऑब्जेक्टिवली वो हारे हैं, लेकिन एज लाइफ पार्टनर उनकी पत्नी के रूप में अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी भिड़ूं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगी। तो कथा आती है कि उन्होंने जो शास्त्र चुना वो काम शास्त्र था। अब शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी थे, उनको इस वेद का कोई ज्ञान नहीं था, और ज्ञान खाली थ्योरिटिकल बात नहीं है, क्योंकि जब डिस्कशन चलेगा ना तो काफी डेप्थ तक नुएंसेस जाएंगे। और कोई भी विद्वान आदमी सुपरफिशियल बातों को लेके क्लेम नहीं डालता है। शंकराचार्य जी जस्ट लाइक और ऑनेस्ट लोग जो हुआ करते थे, उन्होंने कहा नहीं मेरा इस बार में ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ समय दिया जाए। तो बताते हैं कि वो समय उन्हें मिला कुछ 3 महीने 2 महीने व्हाटएवर, वो अपनी गुफा में गए। उसी टाइम पे कोई नया शायद मरा हुआ कोई एक यंग रॉयल फैमिली का मेंबर था, वो उसकी बॉडी को शायद सांप काटने से या किस वजह से नदी में बहा दिया गया था, वो रिकवर किया गया। उसके बाद वो उसकी बॉडी में अपनी सोल को उन्होंने परकाया प्रवेश के थ्रू ट्रांसमिट किया। अपनी बॉडी को अपने शिष्य को बोला कि इसको प्रिजर्व रखना और कोई इसके आसपास ना आए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरीके की चीज ना हो जाए। उसके बाद उसके शरीर में रह के उन्होंने उसकी जिंदगी जी, जो भी 1 महीना वगैरह जो कुछ भी टाइम रहा होगा उतना उनके लिए काफी था उस चीज के जानकारी या नॉलेज वगैरह लेने के लिए। फिर वो वापस आया और उन्होंने इस शास्त्र पे भी डिस्कशन किया और वहां भी वो विजेता हुए। तो मेरे लिए जो कॉन्शियसनेस और बॉडी सेपरेशन था वो कहीं ना कहीं मैं यहां से पिक मैंने किया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शरीर और आत्मा ये एक ऐसा डिस्कशन है कि भाई वो आत्मा अगर निकल जाती है फिर कहाँ जाती है, क्या होता है, ये बहुत एक अलग ही बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब अनंत डिस्कशन चलते रहेंगे क्योंकि जो बता रहे हैं आप हजारों लाखों साल से अगर इस फाइनलिटी पे कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि होता ही है ना कि हम सब अंदाजे ही लगा सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। ऐसे ही जो आप रैपिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि इस छेद से घुसे उस छेद से बाहर आ गए, तो उसकी भी एक कथा है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये वरदान दिया था कि तुम जो हो वो तीनों लोक में ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, अब तीनों लोक मतलब हो गया पृथ्वी लोक और जो ब्रह्मांड है हमारा ब्रह्म लोक, तीनों लोक में एक नारद जी थे जो किसी भी लोक में जा सकते हैं। और ये मेरी थ्योरी है। जी 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 बिल्कुल। आप देखो नारद जी जब भी कहीं पहुंचते थे क्या कहते थे, नारायण नारायण, और अपना वो वीणा बजाते थे। जब वहां से जाते थे तब क्या बोलते थे, नारायण नारायण, फिर वीणा बजाते थे। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कहीं किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स आप ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हो। ब्लैक होल क्या होता है, आपके एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करने के एक होल है, वर्म होल, वर्म होल बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं, वो साउंड वेव को आप ट्रैवल करा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में यह है कि दैट मींस ये टेक्नोलॉजी हो सकता है बहुत पुरानी हो, और इस टेक्नोलॉजी में कौन सी साउंड फ्रीक्वेंसी यूज करनी हो उसकी नॉलेज केवल ब्रह्मा जी ने हमारे नारद मुनि को दी थी। इसलिए जब वो बोलते थे नारायण नारायण और वीणा बजाते थे तो एक ऐसी पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी जिससे कि वो वार्म होल खुलता था और वो झट से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। जिस महाराज के पास जाना हो, जिस राजा के पास जाना हो, जिस भगवान के पास जाना हो, पलक झपकते वो ही इज द ओनली वन हु कैन ट्रैवल टू वेरियस लोक्स, और लोक मतलब अलग अलग यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स जिसको मान बोलते हैं। और उसमें पार होने का तरीका था वार्म होल जिसका रास्ता केवल नारद मुनि जानते थे। मुझे लगता है कि शायद साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन हेल्प दिस वॉर्म होल रैपिंग टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में शायद हमको हेल्प कर सके। ऐसा है कि जो मॉडर्न साइंस है ना अब उसने कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दिया है।
जितना मेरे जैसे लेमैन को समझ में आता है। एक टाइम था जब रिलीजियस स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल वर्ल्ड और जो हम मटेरियल साइंस वर्ल्ड बोलते हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। यूरोप में बहुत गंदे लेवल तक पहुंचा है जिसके अंदर कईयों को मार दिया गया, जला दिया गया, दिस एंड दैट, बिकॉज वो हेरेटिक माने गए। लेकिन आज के दौर में एक तो सॉफ्टनिंग भी हो गया है, एक दूसरे से बिगर बात डैगर ड्रॉन नहीं, और दूसरा साइंस भी यूटिलिटेरियन हो गया है। वो कहीं ये नहीं प्रूव करना चाहता कि नहीं तुम गलत मैं सही। वो देखता है यार अगर तुम जो बोल रहे हो क्या उसमें कुछ सही हो सकता है। जब मेरे को किसी को कि यही सही है या तो मेरे पास इतना कंक्लूसिव हो या ये गलत है ये भी कंक्लूसिव हो, जब तक ये दोनों नहीं है तब तक पॉसिबिलिटी का ओशन माने हम उसे। मेरे ख्याल से ये एक साइंटिफिक मैच्योरिटी होती है, वो किसी चीज को डिस्कार्ड नहीं कर रहे। देखिए आप और मैं क्योंकि इंडिक कल्चर से हैं तो संभव है कि हमारे अंदर एक कल्चरल प्राइड रहता है, हम उसमें पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत नहीं है। पर जो उस कल्चर से नहीं है लेकिन अगर वो साइंटिफिक बेंट का है वो कहता है हो सकता है सुनने में आपकी बातें मुझे हवावाई लगे लेकिन मैं उसे तब तक डिस्कार्ड नहीं करूंगा जब तक मैं ये कंक्लूसिवली ना समझ लूं कि आप गलत। क्या पता आपकी किस बात में कौन सी संभावना निकला है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना ही जो अभी आप बात कर रहे थे कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह विदाउट लैप्स ऑफ टाइम शिफ्ट करते थे, ये अपने आप में कंसेप्ट वाइज भी, चाहे इसका तरीका क्या बनेगा वो तो एक अलग बात है क्योंकि हमारे वालों को तो ब्रह्मा जी आके बताएंगे नहीं, मतलब हमें तो खुद ढूंढना पड़ेगा। मुझे इसलिए इतनी ताजुब लगती है जिन्होंने भी वेद पुराण लिखे या कहानियां सुनाई वो चाहते तो ये टाइम लैप्स वाली थ्योरी सबको सुना सकते थे कि ब्रह्मा जी भी पहुंच रहे हैं, इधर श्री राम भी पहुंच रहे हैं, विष्णु जी पर इसको जाना जाते थे। स्पेशली केवल नारद मुनि को ये पावर थी और वो इसे कर सकते थे, ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों सुनाया गया, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। There would be a technology जो उनके पास थी जिसके बारे में सोच के कर उनके लिए लिखा गया, सारों के लिए तो नहीं लिखा। ये तो नहीं लिखा कि रावण भी चला जाता था या दुर्योधन भी चला जाता था, नहीं, it was only for नारद जी। So that means there was some similarity या कुछ तो रहा होगा। हाँ देखिए किसी भी narrative के अंदर irrespective of कि वो आज की बात है या लाख साल पुरानी बात है, जब तक narrative में limitation नहीं आएगी तब तक वो फ्री फॉर ऑल बन गया अगर तो उसके अंदर कुछ मजा ही नहीं रह गया। मैं एक बड़ा क्रूड एग्जांपल आपको दूं। सपोजिटली आप के को $10 million मिलते हैं, यू बिकम अ मतलब गुड लेवल मिलियनियर, लेकिन सभी अगर उतने ही हो गए पूरे जितने 800 करोड़ लोग हैं तो आपके उस 10 million का ना कुछ रेलेवेंस रह नहीं जाएगा। आप माने की शादी देखेंगे नहीं फिर तो ये तो रहेगा कि कुछ लोग कुछ स्पेशल पर्पजेस की वजह से जिसको हम SPV बोलते हैं ना, अगर मान लिया मैं उस बात पे बिल्कुल ऑन द फेस वैल्यू में बात करूंगा कि सपोजिटली नारद जी को अगर ऐसी कोई पावर दी गई थी तो उसकी एक वजह ये थी कि उन्होंने कुछ खास पर्पज सर्व करने थे वहां पर जाकर, और वो तुरंत पहुंच सकते थे, तुरंत एग्जिट मार सकते थे, दैट वे उनकी सेफ्टी भी थी क्योंकि अगर एनॉइड बंदा है और वो आपको नुकसान ना पहुंचे तो आपको एग्जिट भी मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम उनका वहां पहुंचना बहुत सारे कोर्स ऑफ इवेंट्स को अल्टर भी कर देता था, बहुत कुछ जो वो करना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम बोलते ना कि कोई मुझे जरा सेकंड थॉट दे दे तो मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। सेकंड थॉट बहुत मस्त देते थे। दैट इज व्हाट ही वाज। तो अब उस रूप में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनमें से हर कोई कैरेक्टर जितनों की भी हम बात करते हैं माइथोलॉजी में हमारे स्पिरिचुअल बैकड्रॉप के अंदर इंडिक कल्चर के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे अपने आप में स्पेशल पर्पस व्हीकल्स थे, एक खास तरह के काम के अंदर काम करते थे, बाकी चीजें वो नॉर्मल इंसान की तरह रहते थे। सिर्फ उस टास्क के लिए जिस टास्क के लिए देवर डिफाइंड डिजाइंड सेंट व्हाटएवर इवन वो अवतार भी हो वो उस काम के अलावा बाकी सारे काम वैसे ही करते थे जैसे नॉर्मल ह्यूमन करते। बिल्कुल, तो उस रूप में अगर मैं कहूं अगेन
गोइंग यू नो बियॉन्ड माय लेवल, अपने हद से ऊपर बढ़ने वाली बात है, लेकिन जस्ट विचार रखने वाली बात है. एक परम ब्रह्म है जिसने क्रिएट कर दिया, क्रिएट करा और उसके बाद वो पीछे बैठ गया. लेकिन एट द सेम टाइम उसे पता है मैनेजमेंट भी जरूरी होती है. इट्स नॉट जस्ट ए क्रिएशन. वो मैनेजमेंट के लिए कुछ एसपीवीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगे. उनमें से कुछ छोटे एसपीवी रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे, कुछ इंट्रूसिव रहेंगे, कुछ नॉन इंट्रूसिव रहेंगे. और इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर इतना ही डिफाइन करना है तो फिर वो रावण और बाकी टाइप के कैरेक्टर्स को बनने क्यों दे? उसे हम बोलते हैं फ्री विल. बनाने के बाद वो कहते हैं मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करूंगा, आपको फ्री विल दी है, आप डिसाइड करो आपको जो अच्छा लगता है. बट एक बात का ध्यान रखना, आप अपने कर्म से बच नहीं पाओगे. दे विल रिविजिट यू, किसी ना किसी रूप में कर जाएंगे. बिल्कुल. तो वही जो चीज है, देखा जाए तो हमारी सारी स्टोरी लाइन्स कहीं ना कहीं, मैंने एक्सप्लिसिटली जिक्र किया है कर्मा का टाइम एंड अगेन, लेकिन हम देखेंगे कहीं ना कहीं घूम फिर के, आज नहीं कल, कल नहीं साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, नहीं तो 2 जनरेशन बाद घूम के आता है. आता है. और जब वो आता है तो अपना मूल और ब्याज वगैरह सबका बैलेंस कर लेता है. आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपकी किताब से रिलेटेड. ओके. सेकंड पार्ट कब आने वाला है? मैं इस पे, समझिए कि इसका फ्रेम और फ्रेम के अलावा, जैसे कहता ना वो हड्डियों का ढांचा, ढांचे पे मांस इवन स्किन चढ़ चुकी है, थोड़ा सा आत्मा पे काम चल रहा है. और कितने पार्ट आएंगे? देखिए ये एक ये एक सीरीज के रूप में है जिसमें इवेंट होती रहेंगी. अभी इसके शुरू में अगर आप जो स्पॉइलर देख रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 इवेंट का जिक्र हो चुका है. एक 2285 में कुछ हो गया है, 30 साल बाद ऑफ 2255. लेकिन उसके बीच में भी कुछ हुआ है जिनका सटल जिक्र है इसके अंदर. तो इसका मतलब इनके बीच में भी एक मतलब एक ये सीरीज है जो चलती रहेगी. ये हाँ चलती रहेगी. प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. तो भाइयों प्यार दो, इंटरेस्टिंग बुक है, मैं पढ़ चुका हूँ. आप थोड़ा हमारे पूरे जो हमारा डिस्कशन चला है इससे आप समझ में आ गया होगा, आपको एक फील आ गया होगा कि इस बुक के अंदर आपको किस टाइप का कंसेप्ट मिलने वाला है. तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें मल्टी डायमेंशन चीजें चल रही हैं, फ्यूचरिस्टिक है, साइंस से रिलेटेड है, कुछ कुछ आपको अपने पुराने वेदों से मिली हुई चीजें, कुछ कर्मा के बारे में ही मिलेगा. सो गाइस गो एंड बाय दिस बुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है. सो थैंक यू हिमांशु जी फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड शेयरिंग सच एन इनसाइटफुल एंड फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन. आई विल से आपने खोदा है. एक राइटर और राइटर सामने बैठे तो खोदना तो पड़ता ही है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. मीट यू एंड मूवी एक देखी थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. तो जब आपको मैं कॉल कर रहा था ना, मेरे हिमांशु कॉलिंग, हिमांशु हिमांशु कॉलिंग हिमांशु हो रहा था. सो इट वाज अ प्लेजर एंड लेट्स होप कि हमारा आगे भी कभी अलायंस बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई होप कि सेकंड पार्ट जल्दी आए. एंड आई थिंक अक्टूबर से नवंबर के बीच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कुछ ट्विस्ट ऐसे होते हैं जिनको पॉलिश करना जरूरी है. जब तक मुझे खुद पसंद नहीं आएगा कम से कम, तब तक मैं सामने नहीं दे सकता. सामने वाले को आएगा नहीं आएगा उसे मैं नहीं कह सकता. लेकिन बट इसके इसके जो मेन ऑडियंस है, आई विल से इफ यू आर अ टीनेजर, मैं इसके जो ऑडियंस रेंज बताऊंगा, इट्स बिटवीन 10 से लेके 30 इयर्स तक वालों को, जो मेरे से थोड़ी पुरानी जनरेशन, थोड़े से यंग जनरेशन वाले हैं, who are more into science fiction, Hollywood movies, आपको बहुत मजा आने वाला है. तो definitely read this, enjoy करोगे. Thank you sir. Thank you for being on the show. Thank you very much. Thank you once again. Thank you. It was a pleasure. दोस्तों जब मैंने हिमांशु जी की बुक कंप्लीट करी ना, तब यार मुझे लगा कि ना इस बुक की फिलॉसफी बहुत गहरी है, और इस बुक की फिलॉसफी समझने के लिए मुझे हिमांशु जी को दोबारा कॉल करना पड़ा. इसलिए आप जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हमारा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद ये एक एडिशनल एडअप हो रहा है, और एडअप इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं उस फिलॉसफी को और समझने के लिए, और उसी को समझने के लिए मैंने हिमांशु जी को ना दोबारा बुलाया शुमार. तो हिमांशु जी वेलकम बैक. थैंक यू. इसलिए क्योंकि हमारा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हम दोबारा कर रहे हैं. मुझे
आपकी बुक से उसकी फिलॉसफी समझने की जरूरत है। अगर आप अपनी बुक की फिलॉसफी थोड़ा समझें, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो रैपिंग ड्राइव की, दूसरे प्लैनेट की, ईडन की, जी जी जी, तो ये पूरी फिलॉसफी क्या है? देखिए ऑन द फेस ये एक साइंस फिक्शन लगता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हम हमेशा जब भी कोई कहानी सुनते थे तो किस रूप में हमें कहानी शुरू करी जाती थी, एक समय की बात है, दैट मीन्स आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना होता था किसी भी इवेंट के लिए। अब वो 200-400 साल पुराना हो सकता है। अगर मैं आज की जासूसी कहानी लिखूं तो मैं कहूंगा जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं उस वक्त बॉम्बे के फलाने फ्लैट में एक आदमी एक बड़े कांड को करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। सो अगर मान लिया मेरी उस स्टोरी लाइन के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डालना जरूरी है, या ऐसा वर्ल्ड को मैं इमेजिन कर रहा हूं जिसके अंदर धरती के अलावा भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव प्लैनेट है, तो वो एक फ्यूचर टाइमलाइन ही हो सकती है। सो उस वजह से इसे फ्यूचर टाइमलाइन में लिखा गया, इसलिए ऑन द फेस ये एक साइंस फिक्शन हमें लगेगा। लेकिन इनहेरेंटली जो आपने बड़ा बढ़िया मुझसे पूछा कि फिलॉसफी क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये एक सिविलाइजेशनल फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, इंडिक सिविलाइजेशनल, बाकी सब उसके राउंड अराउंड जाएगा। और इसके अंदर जो बॉटम लाइन चलती है हर इवेंट की, इसमें बहुत कुछ होता रहेगा, जैसा हम सबकी लाइफ में भी होता रहता है, तो मेरे कैरेक्टर्स की लाइफ में भी होगा। लेकिन जहां मैं बार बार एम्फेसिस करूंगा, एम्फेसिस मतलब बोल के नहीं करूंगा सटल फॉर्मेट में आएगा और स्टोरी घूम के आएगी, कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। वो आज अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हो कल हो जाए कुछ साल बाद, मे बी 100-150 साल बाद, जैसे मेरे बुक के अंदर हुआ है, कि कुछ ऐसा काम जो 21वीं शताब्दी के 21st सेंचुरी के एंड में हुआ उसके नतीजे 23वीं सेंचुरी में निकल के आ रहे हैं। नाउ दैट इज समथिंग जो हम मान के चलते हैं, अरे हमने जो कर दिया किसने देखा, जंगल में मोर नाचा, नहीं वो देखा गया है, वो इट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्मिक कैमरा, ऑन द कॉस्मिक कैमरा, एंड एप्रोप्रिएट टाइम पर पूरा नापतोल के साथ और ब्याज समेत चीज घूम के आएगी, मे बी आपकी अगली जनरेशन या उसके सामने। देखा जाए तो यही वो सिविलाइजेशनल क्वेस्ट या फिलॉसफी है जिसने इस हजारों साल की सभ्यता को एक कंटिन्यूम दिया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा अगर छितराते भी है हमारे पावरफुल लोग तो एक लिमिट में छितराते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि भाई समझ लो चक्र घूमकर वापस आ सकता है, तो ऐसा ना हो तब झेला ना जाए, तभी तो युगों की बात करते हैं, युग वापस आते हैं। जी आप कह सकते हैं बिल्कुल, युग के रूप में तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर एक तरीके से पूरा कुछ पलट जाता है, एक चैप्टर पूरा एक बड़ा बुक कंप्लीट होकर बंद हो जाती है, सिर्फ उसके खुशबू उसकी फिलॉसफी आगे ट्रेवल कर जाती है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें एक मॉर्टल ह्यूमन की, तो हमारे लिए वो कुछ सेंचुरीज होती है, वो कुछ जनरेशंस होती है, बियॉन्ड 3-4 जनरेशंस ना तो हम इमेजिन कर पाते, ना ही हमारी 4 जनरेशन नीचे वाले तसव्वुर कर पाते कि वो कैसे रहे होंगे, दादाजी नानाजी परनानाजी काइंड ऑफ, है ना। सो इसे इसी रूप तक मैं लिमिट करके रखना चाहूंगा जहां तक कि मैं कवर कर पाया हूं, मेरी जो लिमिटेशन है। और ऑडियंस के ना अगर आप थोड़ा सिनॉप्सिस दे पाए, जी जी, ताकि उनको क्यूरियोसिटी हो कि यार बुक में है क्या। जी डिस्कशन तो हमने बहुत लंबा किया, जी जी, पर उसमें एग्जैक्टली सिनॉप्सिस के तौर पर अगर आप समझा सके, ओके, ताकि जो लोग इस टाइप की बुक रीड करना चाहते हैं जी, जी जी, मैं आपको अपना बुक के साथ का ट्रेवल दे देता हूं, अब किसको क्या पिक करना है वो देखेगा। बिल्कुल ठीक है। सो बहुत लीनियरली नहीं, लेकिन मेरा जो चैप्टर 1 है वो इसीलिए इस बुक का सबसे लंबा चैप्टर भी है, क्योंकि वो पूरी बैकड्रॉप को सेट करता है और वो सब कुछ जो आगे होना है उसके लिए वो जमीन को तैयार कर देता है। आगे कुछ इवेंट होंगे जो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद ले लेंगे लेटर ऑन, लेकिन ब्रॉड ट्रेवल ऑफ द थीम वो चैप्टर 1 डिफाइन करता है। बिल्कुल, तो वही हमें पता चल जाता है कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, या मैं कहूं तो आज से 2024 से लगभग 10-11 साल बाद से लेकर और इस सेंचुरी के एंड तक, आज भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो एस्केलेट होंगे,
क्योंकि हमारी एक आदत है, हम सबको समेटना चाहते हैं एज ए ह्यूमन। तो जब हम वो करेंगे तो हम किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हक मारेंगे, चाहे अनचाहे, और उसका वो हक बोनाफाइड है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम वो हक मार लेंगे और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस घूम के जब आएंगे। सो इन एनी केस, इस सेंचुरी के एंड तक जो ये लगभग 6-7, 6-6.5 डिकेड का जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, प्लस इसके अलावा जिस तरह के हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या और भी कुछ जो हमारे कैलकुलेशन से बाहर है, ऐसे बहुत सारे रीजन से धरती पर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेशियो ऑफ ह्यूमंस विजावी रिसोर्सिस बहुत लॉपसाइडेड हो जाएंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिए सर्वाइवल इश्यूज हो जाएंगे, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तब फिर एक सिचुएशन आती है कि क्या करोगे उस एक्सेस का, मार दोगे उसे? तो देखा जाए तो ये विचार भी कहीं ना कहीं तो आएंगे। देखिए एक बार, हाँ ऑब्वियसली जब इतने लोग हो जाएंगे तो मतलब समझ नहीं आएगा। आप सब सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मैं मार्स पे भेज दूं, मैं समुद्र के नीचे कॉलोनी बना दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं, सब सोचेंगे तो आपके दिमाग में कभी ये भी आ सकता है कि यार जब कुछ नहीं हो पा रहा, बिकॉज मार्स जो है प्रैक्टिकली अभी 10,000-15,000 साल तक उसका टेराफॉर्मेशन नहीं हो सकता, चाहे आप उसके अंदर कितना मर्जी काम कर लो, जब आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी तैयार। तो ऐसे में जब ये पाप होने को है उस वक्त कहीं से, अब वो कहीं से बाद में पता चलेगा कैसे होगा, एक हिंट आते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को प्लस कुछ और पावर हाउसेस को कि एक पॉसिबिलिटी है आपके पास, इस यूनिवर्स में ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर सारी संभावनाएं हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अच्छी बात बता दी आपने मुझे, अच्छी कहानी सुना दी, लेकिन वहां पहुंचू कैसे? मेरी तो पूरा खेल हो गया। वापस जाते हैं। देखिए हमेशा कोई भी स्टोरी नैरेटिव बढ़ता है लिमिटेशंस की वजह से। अगर ओमनीपोटेंट कोई हो तो वो तो कहेगा ले मैंने चुटकी बजाई सब हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर तो चैलेंज ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, कोई भी नैरेटिव बढ़ेगा तो कोई लिमिटेशन आती है, उस लिमिटेशन को आप जूझते हैं, उसके बाद आप उसका रास्ता ढूंढते हैं या कोई आपको रास्ता बता देता है। इन एनी केस यहां पर भी कुछ ऐसे पावर्स हैं जिन्होंने वो हिंट दिए, जिनकी बदौलत वो उस ग्रह को आइडेंटिफाई भी कर पाए और उसके बाद उस तक पहुंचने का तरीका के हिंट भी उन्होंने दे दिए। टाइम ट्रैवलिंग होने वाला है, टाइम एंड स्पेस ट्रैवलिंग। हाँ आप मतलब ये समझिए कि एक्चुअली टाइम को तो हम नहीं कर रहे, हाँ हम टाइम स्पेस ट्रैवलिंग कर रहे, स्पेस एंड टाइम फैब्रिक को वॉर्प कर रहे हैं, जो कि अगेन अभी आज के दौर में एक थ्योरी है। साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा मनन कर रहे हैं लेकिन इसका कोई वे आउट नहीं निकल रहा। लेकिन हाँ थ्योरिटिकली इट इज लाइक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, यहां से वहां जाने में आप या तो इसकी स्पीड बढ़ा लो या आप इन दोनों पॉइंट्स को पास ना ले आओ तो आप ठक यहां घुसे यहां निकल गए, दैट इज कॉल्ड टेलीपोर्टेशन, वार्म होल, जिसको वॉपिंग जिसे हम कहते हैं, वार्म होल बोल लीजिए जिस भी रूप में बोलिए, वो बेसिकली उसे वॉप कर रहा है। अभी ये वॉपिंग टेक्नोलॉजी निकल आई तो वॉपिंग टेक्नोलॉजी मतलब अगेन चुटकी बजाए इधर से उधर, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल, देयर आर लिमिटेशंस कि आप उस टेलीपोर्टल में घुस ही नहीं सकते जब तक आप कम से कम लाइट की 1/3 स्पीड पे ना पहुंच जाओ, और वो 1/3 स्पीड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाओगे। सो एक तो आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपको उतनी स्पीड पकड़ा दे कि कम से कम उस पोर्टल में घुस पाओ, और घुस पाओगे तो दूसरी साइड निकल जाओ। ठीक है सर। दूसरी बात, क्योंकि ऐसी स्पीड से आपको चलना है और आपको उस पोर्टल से थ्रू होना है तो वहां भी एक लिमिटेशन है कि भाई गैस थ्रू नहीं हो सकती। अब गैस थ्रू नहीं हो सकती तो आप और मैं नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी लिविंग बीइंग गैस से अलग नहीं है, हमारे अंदर गैस पैकेट्स है, पॉकेट्स है। अब क्या तरीका है, जिंदा तो भेज नहीं सकते, तो अब आपको हमें डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके आगे मैं नहीं कहूंगा कि आप बताओ, क्योंकि फिर रीडर्स को पढ़ना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, अभी यहां मैं कहूंगा कि इन सब वजहों से ये सारा कुछ तैयार हो गया आपका। अब आज की तारीख में सिचुएशन ये है, जब हम 2255 की बात कर रहे हैं कि वो सब हो चुका है, दुनिया बहुत खुश है, सुखी है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा दूसरे ग्रह में जा चुका है, दोनों दुनिया खुश है। ऐसा नहीं कि यहां बर्बाद हुआ तब हम वहां गए, नो, हमारे दोनों घर बढ़िया चल रहे हैं। चैलेंज कुछ आता है, एक ट्रमोर आता है। वो ट्रमोर ये आता है कि जब आप उन्हें भेजते थे, इसीलिए मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया था कि आप बाइफर्केट करके भेजेंगे। अब जब आप भेजते हैं तो कभी एक दौर ऐसा आता है जहां 21वीं शताब्दी में जो पाप हुए थे उनके गुस्सा
23वीं शताब्दी में अगर कोई निकाल ले नीचे का कोई डाउन द लाइन, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है वो उस ट्रेवल के कारवां को अगर डिस्टर्ब कर दे, उस टेलीपोर्टल में अगर कोई बिखर जाए तो कहां ढूंढोगे उसे? तो आप क्या कहोगे, अच्छा जी बहुत अच्छे थे चले गए, क्या बोले? सही बात है। लेकिन अगर वो ना मरे हो तो ठीक है, और वो वापस आए, अब वापस आके कहते हैं हमारे हमें हमारी बॉडी वापस कर दो भैया जो आपने हमें अलग कराई थी, जब वो नहीं मिल रहा तो फिर आपके सामने एक दिक्कत आ जाती है कि अब आप उनको क्या जवाब दोगे, और आपको ये नहीं पता कि वो क्या कर डालेंगे खुंदक में। इस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी वजह से कुछ गलती आप करेंगे कुछ वो करेंगे, जो हमारी लाइफ में भी होता है। एग्जैक्टली प्योर हीरो प्योर विलेन सिर्फ फिक्शंस में होते हैं, रियल लाइफ में हर किसी के पास कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होती है, कच्ची पक्की यूनिवर्सली जस्टिफाइड या सेल्फ जस्टिफाइड, लेकिन होती है। उन सब वजहों से हम कुछ पर्टिकुलर तरह से एक्ट करते हैं। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है दोनों साइड्स में, तो अगर सामने वाला कमजोर है तो आप उसे खत्म कर दोगे क्योंकि आप तैयारी करके बैठे हो, लेकिन दाव पड़ गया उल्टा, उन्होंने कब्जा कर लिया और अब वो गुस्से में है, उन्हें पता है तुम उनका बॉडीज वापस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब 45 साल पहले का काम है तो बॉडीज तो कहां की कहां हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अब ना तो अगर हम नहीं हमें शरीर नहीं मिले तो भाई हम तुम्हें क्यों रहने दें। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तब इसका सीधा सीधा कोई बाइनरी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि पावर से आप उन्हें ओवर पावर नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आपसे पावरफुल है। तो ऐसे में अब बात आती है रिकंसिलिएशन पर, चैलेंजेस वहां आप रिकंसाइल कैसे करेंगे, वहां उनका अपर हैंड है। अर्थ जहां पर कि आपके पास एंशियंट समझिए विजडम है, सब कुछ है, टेलीपोर्टल डिस्टर्ब हो चुका है, आप उन तक जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप यही कहते हैं भैया हम भी क्या करें, फंस गए अब तो वहां पे, आफत आ गई है, वो जाने उनका भगवान जाने। लेकिन अगर सपोज उनमें से कुछ बच्चे यहाँ आए हों किसी वजह से और वो फंस गए, उनकी सिचुएशन इमेजिन करिए, उनके पेरेंट्स उस वॉर जोन एक्शन थिएटर में मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं, और यहां पर ये बेचैन है, लेकिन दुनिया बेचैन उतनी नहीं है, कॉस्मेटिकली बेचैन है, कॉस्मेटिकली भी नहीं बोलूंगा मैं, कहूंगा दिल से भी बेचैन है, कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जिसका हाथ पत्थर के नीचे होता है वो छटपट आ रहा होता है, वो सारे रास्ते ढूंढेगा, वो सब भी ट्राई करना चाहेगा जो नॉर्मल पार्लेंस में उसे नॉनसेंसिकल लगेगा। बिल्कुल। तो यहां होगा जो वो तलाश करना शुरू करते हैं, हर दरवाजा खटखटाएंगे, जब उन्हें साइंटिफिक नो हाउ और मॉडर्नाइजेशन से रास्ता नहीं मिलेगा, वो एंशियंट विजडम की तरफ जाएंगे। वो जाएंगे, इतना आसान नहीं है उनको पहुंचना, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, आप क्या दे दोगे आप उन्हें जो उन्हें चाहिए ही नहीं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। वहां आपको ढूंढने के बाद में आप हर जगह टक्कर मारते हैं, आप वेटिकन भी जाते हैं, आप तवांग भी जाते हैं, और फाइनली सिचुएशन ऐसी बनती है कि कुछ पुराने विक्टिम्स, कुछ लोग मिलके एक टीम अप करते हैं, और एक एंशियंट समझिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी तक वो पहुंच जाते हैं, कुछ गैजेट्स तक वो पहुंच पाते हैं। इट्स अ लॉन्ग क्वेस्ट, इट्स नॉट सो इजी, बट वो पहुंच पाते हैं। तो तब भी सवाल ये है कि क्या इतने से उनका काम चल जाएगा? तो ये समझिए ये आपकी वो ट्रेवल है जिसके बियॉन्ड जो कुछ भी होगा वो वैसे नहीं होगा कि लेजर गन चला के आप किसी को हरा देंगे या बम मार के हरा देंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा जहां वो भी रियलाइज कर पाए कि भाई सचमुच इनके पास सोल्यूशन नहीं है, और आप भी उनके साथ एम्पेसाइज कर पाओ कि वो इतने बुरे नहीं है। ये एक इसकी बेस फिलोसफी ट्रेवल करके चलती है, जहां पर बड़े फिलोसफी और सिनॉप्सिस दोनों साथ में मर्ज कर। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट कितने पार्ट और आने वाला है? इसका देखिएगा कि इसका रेजोल्यूशन मेरी सेकंड बुक में हो जाएगा, लेकिन हर रेजोल्यूशन एक नई लीड छोड़ता है, नया क्वेस्ट चालू जाता है, क्योंकि जब आप कुछ भी पाते हैं, आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म करी, एटम बम से खत्म करी ना, कहते हैं ना दे कॉल इट, क्या उससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया? एटम बम एक नया लीजर है। अब एटम बम आपका एक नया समस्या बन चुका है, हर कोई न्यूक लेके बैठा है। अगर किसी से भी गलती हो गई, गलती मतलब ऐसा भी नहीं है कि न्यूक को किसी ने ऐसे करके हो जाएगा, बड़ी तैयारी है, लेकिन सपोज किसी को आ गया दिमाग में कि मैं कर डालूंगा,
और उसने कर दिया, तो उसका जितने न्यूक्स आपके पास अवेलेबल है ना, उतने चलाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, उसका 10% में ही सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हर आपका रेजोल्यूशन अगर आपने इसे बोनाफाइड इंटेंट के साथ में काम नहीं किया तो वो नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। ट्रू। तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत सोच के करने हैं, ऐसा ना हो जाए कि तब भस्मासुर नया खड़ा हो जाए। ठीक है, लाइक दैट। जी सर, मेरा यही दो मेरे क्वेश्चंस थे जी, ताकि लोगों को सिनॉप्स से बता सके और हम थोड़ा फिलॉसफी समझ जी सर, जी सर। सो इसके लिए मैंने आपको दोबारा बुलाया। अरे सो नाइस, आई एम रियली सॉरी कि आपको फिर दोबारा ट्रैवल करके आना पड़ा, इट वाज ऑलवेज जरूरी था। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो लेट्स सी कि अब तो ऑडियंस बताएंगे। हां बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस बताएंगे और हमारा आपका मुलाकात आगे भी होती रहे, बस यही इच्छा हमारी रहेगी। थैंक यू, थैंक यू सर। नाइस सर।